यूक्रेन में कड़ाके की सर्दी ने दस्तक दे दी है और रूस ने यूक्रेन पर अपने हवाई हमलों की बौछार कर दी है और इस मुश्किल घड़ी में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। जी हाँ, पहले पोलैंड, फिर हंगरी और अब एक और नेटो देश ने यूक्रेन को ठुकरा दिया है। दरअसल चेक रिपब्लिक नेटो का सदस्य है और उसने यूक्रेन को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है जिससे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को बड़ा सदमा लगा है। वो ये है कि चेक की रक्षा मंत्री जेना कर्नोशवा ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कहा है कि अब चेक के खुद के हथियार भंडार में उतने हथियार नहीं बचे हैं जिनमें से यूक्रेन को भेजे जा सकें। हालांकि रक्षा मंत्री ने ये जरूर कहा है कि वो प्राइवेट कंपनियों के जरिए यूक्रेन को हथियार और गोला बारूद की सप्लाई जारी रखेंगे। इसको लेकर चेक रिपब्लिक की रक्षा मंत्री जेना कर्नोशवा ने कहा, सैन्य सामान के लिए ज्यादा हथियार नहीं बचे हैं जिन्हें हम यूक्रेन को भेज सके। दूसरी तरफ हम अपने हथियार भंडार से सामग्री भेजने की असंभवता की भरपाई करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम प्राइवेट कंपनियों को दिए जाने वाले निर्यात लाइसेंस के साथ अपनी रक्षा क्षमता को खतरे में नहीं डालना चाहते हैं। चेक की रक्षा मंत्री का कहना है कि चेक की मिलिट्री इंडस्ट्री को अगर कॉन्ट्रैक्ट दिए जाए तो उनके पास यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने की क्षमता है। चेक का कहना है कि उसने यूक्रेन को करीब 50 पैदल युद्धक वाहन और टैंक भेजे हैं। इसके अलावा यूक्रेन को 2500 पिस्टल, 7000 राइफल्स, 500 लाइट मशीन गन और 500 स्नाइपर राइफल भेजी हैं। चेक के ट्रेनर्स ने यूक्रेन के 4000 सैनिकों को ट्रेनिंग भी दी है। इससे पहले चेक के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि उसने यूक्रेन को $541,000 के सैन्य उपकरण भी भेजे हैं। आपको बता दें कि चेक से पहले स्लोवाकिया की नई सरकार ने यूक्रेन को सैन्य मदद रोक दी थी। स्लोवाकिया की नई सरकार ने यूक्रेन को $43,00,000 की सैन्य सहायता रोक दी है और स्लोवाकिया से पहले ब्रिटेन और उसके बाद फ्रांस ने यूक्रेन को दान में दिए जाने वाले हथियारों की सप्लाई पर रोक लगा दी थी। इन देशों ने माना था कि उनका खुद का हथियारों का भंडार खाली हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन भी यूक्रेन को अभी तक 155 mm के सिर्फ 300,000 गोले दे पाया है। मार्च 2024 तक यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को 1,000,000 गोला बारूद सप्लाई करने का टारगेट रखा है जो कि पूरा होता नहीं दिख रहा। दरअसल यूक्रेन की हथियारों की डिमांड काफी ज्यादा है जिसे नेटो समेत पश्चिमी देशों की डिफेंस इंडस्ट्री पूरा नहीं कर पा रही है। वहीं रूस इस मामले में पश्चिमी देशों को पछाड़ चुका है। रूसी कंपनियों ने धड़ल्ले से हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाया है।